नमस्कार किसान भाइयों, आज हम राया के गांव पड़नारी में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, जो कि एमएससी एग्रीकल्चर से हैं। और मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस मीटिंग में स्वागत है। मैं एग्रीकल्चर से एमएससी हूँ और चर्चा करेंगे खेती बाड़ी के बारे में। तो सर बताइए, क्या आप हाँ, कौन सा तो टॉपिक लेके आज आप। मैं आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं डॉक्टर के भारद्वाज बिरजर कृषि फार्म से, और आपको अपने अनुभवों से, अपने एजुकेशन से आपको हम आलू की फसल के बारे में बताते ही रहते हैं। इन दिनों जो है, जो जो भी समस्याएं आलू की फसल में जो चल रही है, उस पर मैंने हमारे मित्र भाई डॉक्टर रघुवीर सिंह जी से बात करी, तो आज मैंने कहा कि चलो किसानों के इसमें कुछ चर्चा कर लेते। तो आपके कुछ कॉमन प्रश्न हैं जो आप लगातार पूछ रहे थे, उनसे मैं, हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं और उन्होंने कई वर्षों तक आपके फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का जो है बिजनेस भी किया है, तो मैं उनके अनुभवों से और इनकी जानकारी से आपको परिचय कराना चाहता हूँ। तो इन दिनों ज्यादातर किसान भाइयों की जो फसल है वो 65-70 दिन की ज्यादा ही हो गई है। ज्यादा हाँ भी हो गई है, हाँ लगभग 80-90 की, जो जितना जिन्होंने टाइम से बोया है आलू उनकी लगभग जो है फसल मैच्योर होने जा रही है और 80-85 दिन का आलू हो ही गया है। तो अब इस समय मुख्य प्रश्न तो यही है कि कुछ मौसम की वजह से, कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट्स या मैक्रो न्यूट्रेंट्स की वजह से, या कुछ कह सकते हैं लापरवाही की वजह से, कुछ किसानों भाइयों का आलू का साइज जो है छोटा है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में जिनका जिन्होंने बुवाई 30 अक्टूबर के बाद में बोई है, उन्हें एक पानी की जरूर आवश्यकता है। वो पानी से कई लाभ होंगे। आप पानी देंगे तो पाले से बचाव होगा और आलू का फलाव भी होगा और कोई भी रोग और जो इंसेक्ट है वो भी कम लगेंगे। जैसे अब इस समय कुछ लोगों की फसलों में हमने देखा कि ब्लाइट का फंगस, तो जिन किसानों के ब्लाइट रही है, ब्लाइट के बाद जैसे ही फंगिसाइड के स्प्रे के बाद अब फसल संभल गई है, उनको इस समय क्या करना चाहिए? उनको फिलहाल अभी जिन्होंने फंगीसाइड दिया है अब तो उनको अभी जरूरत नहीं है देने की, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है और ब्लाइट आ रही है और अंदर भी जड़ गलन है, तो उसमें दोनों ही कॉन्टेक्ट फंजीसाइड और सिस्टम फंजीसाइड दोनों की आवश्यकता है। यदि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, यदि लीफ पे ही प्रॉब्लम है तो उनको जो है कॉन्टेक्ट फंजीसाइड देने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्टेक्ट फंजीसाइड ऊपर ही काम करता है और जल्दी उसका असर होता है, और सिस्टमिक फंजीसाइड होता है वो अंदर तक दबा जाती है तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ज्यादातर क्या होता है कि जब फसल ज्यादा दिनों की हो जाती है, मान लो 80+ है, अब हम मान लो सिस्टमिक फंगिसाइड दे रहे हैं, तो मैंने ज्यादातर देखा कि सिस्टमिक फंगिसाइड आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अलग अलग टाइप के कुछ, तो वो ट्यूबर पर भी असर करता है, तो क्या इसका जो है इम्पैक्ट है, कितना असर करता है, उससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में? तो उसके लिए हमको जो है ज्यादा दवा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हैवी फंगीसाइड देते हैं तो वो उससे जरूर वो असर डालती है, उसकी ग्रोथ पर असर डालती है, आलू का जो ट्यूबर है उसके डेवलपमेंट पे बड़ा असर डालती है। अभी क्योंकि लास्ट स्टेज चल रही है तो हमें ज्यादा हैवी जैसे मेटल एक्सेल है उसको देने की आवश्यकता नहीं है। यही सलाह मैंने हाँ आपको दी है कि मेटल एक्सेल और जैसे ही बहुत हैवी हैवी सिस्टमिक फंगिसाइड है, उनकी अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो ज्यादातर अब अंतिम चरण में है, तो उस समय अगर ज्यादा देंगे तो मेटाबॉलिक रेट जो है उसकी जो है कम हो जाएगी, कम हो तो जाएगी, बिल्कुल मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से आलू का फुलाव कम हो पाएगा। तो इस समय जितना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है आलू की फसल में, उतना अच्छा आलू फूलेगा, बशर्ते कि उसकी जो है
पत्तियां सही सही बनी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इस समय हम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं इस समय? जिन फार्मर्स का 90 से 100 दिन का आलू हो गया है, उनको अब मेरे हिसाब से कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई डीएपी यूरिया या कोई अदर जो है जो भी है उनको कोई भी खाद है उसको कोई भी चीज देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप देंगे तो उसका असर जो है कम से कम उसका असर 10-15 दिन में होता है, तो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होगा और बेमतलब किसान का पैसा बेमतलब फालतू में ही चला जाएगा और वो माइक्रो उसी में मिट्टी में ही रह जाएंगे और उसका असर जो है, क्योंकि तब तक आलू खुल जाएगा और वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट असर नहीं कर पाएंगे इतना। जैसे कुछ कंपनियां स्प्रे के लिए स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाती हैं, तो स्प्रे उसी समय करना चाहिए मेरे हिसाब से जब पत्तियां हरी भरी हों, और आजकल जैसे फसलों पर पीलापन आ रहा है तो पीली पत्तियां मरने लग गई मुरझाने लग गई तो उनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता भी कम हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम जो ऊपर से पीजीआर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे कर रहे हैं उसका कोई ज्यादा पौधे पर असर नहीं होता, पैसा वेस्टेज चला जाता है। यही आपका बिल्कुल बिल्कुल वेस्टेज चला, थोड़ा कम दिनों का है तो उसमें हल्का जो है फंगीसाइड आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण बढ़ाने के लिए अच्छा, आलू को फूलने के लिए वैसे भी पत्तियों का ग्रीननेस होना बहुत जरूरी है। अब इस समय मुख्य रूप से किसान भाइयों एक तो पोटेशियम की जरूरत होती है, लास्ट टाइम पे आलू के जो है पोटेशियम उसका परिसंचरण को मजबूती से प्रदान करता है, जैसे पत्तियों ने भोजन बनाया, भोजन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो स्टार्च में कन्वर्ट होता है, खनिज लवण लिया भूमि से, प्रकाश लिया और पत्तियों का हरित लवक मिला करके और उसको पौधे तक पहुंचाने का काम जो है उसका जो फ्लोएम करता है, जनरली तने के अंदर फ्लोएम होता है और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों तक भोजन पहुंचता है, तो उसको पहुंचाने के लिए पोटेशियम तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादातर अंतिम समय पर एनपीके 0050 का स्प्रे 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और बोरोन आप ले सकते हैं क्योंकि बोरोन के अंदर बोरोन के अलावा कैल्शियम होता है और जो मेरे ख्याल से उसकी जो स्किन को मजबूत बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, पोटेशियम तो है ही, साथ साथ में आप जो है मैग्नीशियम भी दे सकते हैं। मैग्नीशियम जो है आलू की जो स्पॉट आ रहा है या तो थोड़े बहुत उसमें जो है सही चमक नहीं आ रही है, तो चमक लाने के लिए शाइननेस लाने के लिए उसमें जो है आप पोटेशियम और मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का भी मेन पार्ट है मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल को बनाने में पत्तियां फिर से हरी भरी हो सकती है। अच्छा, दूसरा हमने अपने क्षेत्र में देखा है कि ज्यादातर जैसे ब्लाइट ब्लाइट आई उसके बाद भी कुछ पीलापन, अब एकदम से तेजी से पीलापन आ रहा है, तो ये सर्दी की वजह से आ रहा है या ये सर्दी की वजह से आ रहा है? हम देखते हैं कि 3-4 दिन कभी कभी कोहरा भी रहता है और धूप नहीं निकलती है, और 3-4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद खिलखिला के धूप निकलती है, तो इसका बड़ा असर पड़ता है, एकदम जो है नीचे आलू बैठना शुरू हो जाता है, तो डाउन होना शुरू हो जाता है, वो उसी का टेम्परेचर का ही कारण है, कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है, एक टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। तो इस समय देख रहे हैं रात को काफी ज्यादा ठंड रहती है, तापमान 3-4 डिग्री पर पहुंच रहा है और दिन का तापमान 15-25 डिग्री तक भी पहुंच रहा है, जैसे आज धूप निकली है तो आज तापमान काफी पहुंचेगा, अचानक रात को अगर ठंड पड़ती है तो ऐसे में पाले की स्थिति जो है, पाले की स्थिति यार अभी 2 दिन पहले हमने देखा था टेम्परेचर जो है 8 डिग्री तक आ गया था, तो 8 फारेनहाइट तक, और तो इसी स्थिति में पाले की तो पूर्णतः संभावना होती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसान भाई पाले से बचाव? पाले से बचाव के लिए यदि ज्यादा पाला है तो उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको जो है सिंचाई तो बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि वो टेम्परेचर भी पानी मेंटेन करता है और पाले से भी बचाता है, और सल्फर का दे सकते हैं तो सल्फर का भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड सल्फर आती है, लिक्विड सल्फर का आप 1 केजी या उससे भी कम
एक केजी सफिशियंट है। एक केजी सल्फर का आप स्प्रे जो है कर सकते हैं, WDG जो पाउडर फॉर्म में आ रही है उसका भी आप घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, तो वो एकदम से पाले से आपकी तुरंत बचत करेगी। और जिन पर फंगीसाइड के रूप में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी पाले से बचाता है, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आपकी भी सहमति इसमें रहेगी। बिल्कुल सहमति रहेगी। और वैसे यही ध्यान रहे कि हल्की कंपनी का नल है, क्योंकि ये बहुत सारी हमारे बीच में लोकल कंपनी है, तो उन कंपनियों का नल लेके अच्छी कंपनी जो। बिल्कुल सही बात कही रहा है। देखो हम जान रहे हैं कि जो भी आप खरीदे कोई भी चीज, एक तो ब्रांड की लें, अच्छी ब्रांड जो वेल नोन कंपनियां हैं उनकी लें, जिससे कि एक तो प्रोडक्ट आपको बढ़िया मिले, दूसरा जो काम है वो आप बिल लेना ना भूलें, क्योंकि आजकल कुछ लोकल दुकानदार ऐसे भी हैं कि लोकल कंपनियों का माल रख लेते हैं, या आपने देखा होगा एक पंजाब का भी वीडियो चला था जिसमें फर्जी तरीके से दूसरी ब्रांडेड कंपनियों के रैपर्स में दवाई भरी जा रही थी। तो इस तरह से बचने के लिए उसी दुकानदार से आप माल खरीदें जो बिल का माल बेचता हो, यानी कि उसके पास जिस कंपनी से माल खरीदा उसका एक तो पक्का बिल हो, और आपको पक्का बिल भी वो तभी दे पाएगा जब उसने पक्के बिल से माल, GST वाले माल से, बिल से माल खरीदा होगा। तो आप, मेरा भी ये विचार है और इसमें हर कोई सहमत होगा कि आप वेल नोन कंपनी और भरोसेमंद दुकानदार और संभवतः बिल आप जरूर ले, जिससे कि कोई ये कह सके कि ये मेरा माल नहीं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमने देखा कि बहुत सारे किसानों की फसलें कुछ फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ भी उन्होंने स्प्रे किया, उसकी वजह से जली भी थी, और उनका यही आरोप प्रत्यारोप आपस में रहे कि जो मैंने जो मांगा था वो नहीं दिया, कुछ गलत सामान दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आप मुकदमा या केस भी किसी दुकानदार पर या कंपनी पर तभी कर सकते हैं जब आपके पास पक्का बिल हो। तो ऐसे में आप इस मैटर में आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीजों को मिक्स करके नहीं देना है, जो भी हमें देना है तो वो अलग अलग देना है, अलग अलग हमें स्प्रे करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो तीन चीजों को मिला देते हैं तो उसमें रिएक्शन हो जाता है, तो जब भी दें स्प्रे करें तो अलग अलग चीजों का स्प्रे करें, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो और कुछ, हालांकि प्रश्न तो बहुत है किसानों के, मिलाने के भी, मिक्सिंग के भी, चाट के क्वेश्चन होते हैं, कंटेबिलिटी का कि इसमें क्या मिला सकते हैं क्या नहीं मिला सकते हैं, तो उसके लिए कोई सलाह आप देना चाहेंगे? बस यही है कि कभी कभी किसान क्या करता है कि DAP जिंक और अदर न्यूट्रिएंट्स मिक्स करके जो है देता है, और हमने अपनी खुद मुझे अनुभव है कि मैंने देखा है वो जो फट जाता है तो वो किसान का पैसा भी वेस्टेज जाता है और वो दवाई भी बेकार हो जाती है। कुल मिला के ये है कि सारी चीजों को आप मिक्स न करें। और अभी हमने शिमला के इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट हैं, मैंने उसके वीडियो में भी आपको बताया था, शर्मा जी हैं, तो उन्होंने भी ये बताया था कि जब ब्लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में अटैक कर रही है तो केवल एक अच्छा फंगीसाइड, एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टम, एक दो फंगीसाइड मिक्स करके आप दे सकते हैं, और केवल उतना ही दें। उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि बाद में जब आप फिर एक इंसेक्ट, अच्छा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, और लास्ट में एंटीबायोटिक का स्प्रे करें, और जब वो ठीक हो जाए, आपकी फसल पर जो रोग है वो कंट्रोल हो जाए, उसके बाद चाहे तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे की फॉर्म में, या फिर कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपकी फसल को अच्छा बूम दें, यानी उसके अंदर मैग्नीशियम का आप, जिससे कि पत्तियां फिर से हरी भरी हो जाएं, और कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अंतिम चरण की फसल में करना बेकार है, 60-65-70 दिन तक आप उसका प्रयोग करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और नहीं है कि कभी कभी ये किसान हाइब्रिड में भी, लास्ट स्टेज चल रही है, और हाइब्रिड में भी आलू को फुलाने के लिए या उसमें और भी बहुत सारी चीजें ग्रोथ करने के लिए देते हैं, तो हाइब्रिड में कुछ भी नहीं देना है। उसका रीजन ये रहेगा कि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं या और उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए देते हैं, उसके फुलाव के लिए देते हैं, तो आलू कभी कभी फट जाता है, तो हाइब्रिड में कुछ भी नहीं देना है। जैसे कुफरी बहार है 37-97 और तुम्हारा ये चिप्सोना है, इनमें आप दे सकते हैं, बाकी जो दूसरे आलू है जो हाइब्रिड है तो उनमें देने की जरूरत नहीं है।
बहुत बढ़िया। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हमें किस तरह से अपनी फसल का ध्यान रखना है। स्पेशली पीजीआर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीजीआर का अब आप अंतिम समय पर प्रयोग न करें। जिनकी फसलें 80-90 85-90 दिन की है, उस समय पीजीआर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पीजीआर जो है ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक करके और सारी नीचे देता है पौधे के अंदर, और इस समय वेजिटेशन अपने आप में ही कमजोर होने जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें दम ही नहीं बचता, पत्तियां भी पीले पड़ने लग जाती है ना। तो अब उसका आप ध्यान रखें। अब इस समय अब आप मौसम अनुकूल होते ही अपने आप ही आलू फूलने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपका। किसान भाइयों, आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं जो है आपको फिर से आपकी सेवा में हर समय उपलब्ध रहता हूं। और नए किसान भाई जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जानकारी, आपके जो भी आलू से संबंधित और अन्य फसलों से संबंधित जानकारी के लिए हम समय समय पर आपको एडवाइस करते रहते हैं वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।